बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दिन है जुम्मा 29 जनवरी 2021। आज का हमारा उनवान है सबक न्यूटन के सवाल जवाब 3, 4, 5। कल हमने इस सबक की रीडिंग की थी और इसके सवाल जवाब 1-2 दोहराए थे, ठीक है। आज हम सवाल जवाब 3, 4, 5 की दोहराई करेंगे और उसके बाद हम इमला की लाइन नंबर जो 7 है वो उर्दू अदब की कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। आए सबसे पहले हम इमला की लाइन नंबर 7 दोहराते हैं, उसके बाद में अल्फाज बोलती जाऊंगी और आप जबानी मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। ये बच्चों ये हमारी इमला लिस्ट है, ठीक है। ये हमारी लास्ट लाइन है। मंडे वाले दिन, सवार वाले दिन जब आप स्कूल आएंगे तो मैंने आपसे इस पूरी इमला लिस्ट का टेस्ट लेना है, ठीक है। नंबर 1 देखे क्या है, माली। नंबर 2 क्या है, हवा। नंबर 3 खुश, ठीक। नंबर 4 शोर। नंबर 5 आदमी, ठीक है। टेक आउट योर उर्दू अदब कॉपी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज दिन है जुम्मा 29 जनवरी 2021, जमात का काम। आज का हमारा उनवान है इमला प्लस न्यूटन, ठीक है। हमने इमला की लाइन नंबर 7 लिखनी है और उसके बाद हमने सबक न्यूटन के सवाल जवाब की दोहराई करनी है, ठीक है। 5 है इमला के अल्फाज। नंबर 1 लिखे माली। नंबर 1 माली जी। नंबर 2 लिखें हवा। नंबर 2 हवा। नंबर 3 खुश। नंबर 3 खुश। नंबर 4 शोर। नंबर 4 शोर। नंबर 5 आदमी। नंबर 5 आदमी, ठीक है। उसके बाद देखें सवालात के जवाबात लिखें। हम इस सबक की रीडिंग कर चुके हैं, ठीक है। मेज़ सवाल नंबर 3 है, मेज़ पर रखी बत्ती कैसे गिरी। जी, मेज़ पर जो न्यूटन ने बत्ती रखी हुई थी, जल रही थी, वो कैसे गिरी थी। आए हम बुक में से इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। ये देखें ये सबक न्यूटन है। ये देखें कुत्ते के उछलने से मेज़ पर रखी हुई बत्ती गिर पड़ी, ठीक है। तो हमारा सवाल था मेज़ पर रखी हुई बत्ती कैसे गिरी। जी आप हम क्या लिखेंगे, कुत्ते के उछलने से गिरी, ठीक है। क्या जवाब लिखेंगे, कुत्ते के उछलने से गिरी, ठीक। सवाल नंबर 4 देखें जी। सवाल नंबर 4 है, बत्ती गिरने से क्या नुकसान हुआ। जी, जब बत्ती गिर गई थी तो उससे न्यूटन का क्या नुकसान हुआ था। जी, बत्ती गिरने से क्या नुकसान हुआ, ये देखें। बत्ती के गिरने से तेल बहने लगा और उसने आग पकड़ ली, जिससे न्यूटन के वो तमाम कागजात जल गए जो उसने कई सालों की मेहनत से लिखे थे। तो हमारा सवाल है बत्ती गिरने से क्या नुकसान हुआ। हम लिखेंगे तमाम कागजात जल गए। क्या लिखेंगे जवाब, तमाम कागजात जल गए, ठीक है जी। सवाल नंबर 5 है, बहादुर कौन होता है। जी बच्चों, सवाल हमारा है बहादुर कौन होता है। जी प्यारे बच्चों, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, बहादुर वो होता है जो गुस्से पर काबू पा ले। जी बहादुर कौन होता है, तो हम जवाब क्या लिखेंगे, जो गुस्से पर काबू पा ले। क्या जवाब आएगा, जो गुस्से पर काबू पा ले, ठीक है। आपने इन तीनों सवालात के जवाबात याद करके ज़बानी घर में लिखने हैं। हमारी इमला लिस्ट भी ख़त्म हो गई है, वो भी आपने ज़बानी याद करनी है, ठीक है। हमारा सिलेबस आज फिनिश हो गया है जी बच्चों। टेक आउट योर कंदीले अदब उर्दू सफ़ा नंबर 52 को ओपन करें। जी ये देखें सबक न्यूटन की ये बैक एक्सरसाइज है। ये देखें पेज नंबर 52 है। ये देखें सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जवाब पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए, ठीक है। इसमें से जो दुरुस्त होगा, अब आप सबक पढ़ चुके हैं, अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लफ्ज़, कौन सा जुमला दुरुस्त है और कौन सा गलत है, ठीक है। नंबर 1 है, न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंसदान था। जी बताएं ये दुरुस्त है या गलत है। जी न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंसदान था, तो क्या आएगा, दुरुस्त। नंबर 2, उसकी तबीयत में गरूर था। जी क्या वो नखरे करता था, आपने रीडिंग की थी। नहीं, उसकी तबीयत में गरूर तो नहीं था, उसकी तबीयत तो नरम थी, तो क्या आएगा, गलत, ठीक। नंबर 3, कुत्ते के उछलने से बत्ती गिर पड़ी। जी बच्चों बताएं
कुत्ते के उछलने से बत्ती गिरी थी जिसे न्यूटन के तमाम कागजात जल गए थे। जी, कुत्ते के उछलने से बत्ती गिरी थी, तो क्या है ये? दुरुस्त। नंबर 4, न्यूटन कुत्ते पर बहुत नाराज़ हुआ। क्या नाराज़ हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या आएगा? गलत, क्योंकि न्यूटन तो कुत्ते पर नाराज़ हुआ ही नहीं था। बहादुर आदमी गुस्से पर काबू नहीं रख सकता। नहीं, बहादुर आदमी तो गुस्से पर काबू रखता है, और यहाँ पर लिखा हुआ नहीं रख सकता, तो क्या है ये? गलत है। ठीक है, आपने ये दुरुस्त गलत याद करने हैं।